नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद के थाना मैनाठे क्षेत्र में विगत दिन आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक के साथ हुई लूट का पुलिस ने सफल खुलासा। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर SP ग्रामीण ने दी जानकारी। मैनाठे पुलिस द्वारा भेजे गए 5 अभियुक्त गण जेल, आरोपितों से की संपूर्ण धनराशि बरामद, 01 मोटरसाइकिल की जब्त। रविवार को पुलिस लाइन में SP ग्रामीण व CO हाईवे ने प्रेस वार्ता कर थाना मैनाठे के बड़े मामले का खुलासा कर जानकारी देते हुए कहा कि 29 अप्रैल 2022 को मोहम्मद उमर पुत्र उस्मान ग्राम महमूदपुर माफी थाना मैनाठे आइसक्रीम की फैक्ट्री से घर जाते हुए 2 अज्ञात अभियुक्त ने बादी को रोककर मोटरसाइकिल पर टंगा थैला जिसमें करीब 20 से 25 हजार रुपए थे वह लूटकर भाग जाने में सफल रहे। घटना की जानकारी वादी ने थाना मैनाठे पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मैनाठे पुलिस व सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया। SP ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिलारी देश दीपक सिंह के नेतृत्व में थाना मैनाठे पुलिस ने सर्विलांस टीम के सहयोग से घटना में शामिल अभियुक्त अरबाज पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी ग्राम डींगरपुर, मिजाज पुत्र हाजी अब्दुल जलील निवासी ग्राम महमूदपुर, रियाज पुत्र यूनुस निवासी ग्राम मैनाठे, सारिक पुत्र नासिर निवासी ग्राम महमूदपुर माफी, फरमान पुत्र एहसान निवासी ग्राम महमूदपुर माफी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया थैला व संपूर्ण लूट की धनराशि व घटना को अंजाम देने वाली एक मोटरसाइकिल एवं घटना के समय इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ वर्मा थाना मैनाठे, उप निरीक्षक रमेश चंद यादव थाना मैनाठे, उप निरीक्षक ब्रिजवीर सिंह थाना मैनाठे, उप निरीक्षक आशीष शेरावत प्रभारी सर्विलांस सेल, मुखिया आरक्षी रिजवान खान थाना मैनाठे, आरक्षी अतुल चौधरी थाना मैनाठे, आरक्षी गौरव कुमार थाना मैनाठे, आरक्षी शैलेंद्र सागर थाना मैनाठे, आरक्षण सौरभ विहान थाना मैनाठे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। मैंने थाना पुलिस ने 5 गिरफ्तार किए हैं, क्या ये थाना क्षेत्र मैनाठे दिनांक 29 तारीख की रात्रि में एक लूट की वारदात हुई थी। यह बताया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उनके द्वारा एक व्यक्ति जो आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है उसके साथ लूटपाट की घटना की गई है। इस सूचना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस और इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक मैनाठे सक्रिय हुए और आसपास जब जानकारी की, 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 1 अभियुक्त उसी फैक्ट्री में नौकरी करता है और एक उसके साथ ही 2 लोगों ने मिलकर के लूट की घटना को अंजाम दिया था। 100% 10,700 रुपये की बरामदगी हो चुकी है। इसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इनके पास से मोबाइल बरामद हुआ। इस घटना में इनके अतिरिक्त 3 लोग थे। एक व्यक्ति था जिसने सूचना दिया था कि फैक्ट्री मालिक कब निकलने वाला है और 2 लोगों के द्वारा इसमें आपराधिक षड्यंत्र किया गया था। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, संपूर्ण धनराशि बरामद हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से गिरफ्तार करने वाली और बरामद करने वाली टीम को इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं अभी तक जो हमारी जानकारी में आया, किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं पता चल पाया है और हमारे द्वारा DCRP के माध्यम से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो आरोपी है उसके जहाँ लूट जिसके साथ लूट की गई है उनके फैक्ट्री में करीब 6 महीना से काम करता था जैसा बताया जा रहा है और इस संबंध में और विशेष जानकारी की जा रही है। सर, ये लोग क्या पढ़ाई करते थे? ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं। उनके द्वारा प्रथम बार घटना की गई जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, लेकिन हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके द्वारा और इसके पहले कोई घटना कारित की गई हो तो इसकी जानकारी प्राप्त। क्यों किया? मकसद क्या रहा सर? इनका मकसद जस्ट अभी आपस में पैसे की आवश्यकता थे, इनके द्वारा इस तरह की घटना की गई। मकसद के बारे में पूछताछ की जा रही है। थैंक यू।